बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एडी करंट कहाँ यूज़ होगा? एनर्जी मीटर्स में, इंडक्शन स्टोव के अंदर, मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स, मैग्नेटिक ब्रेकिंग के अंदर यूज़ होगा, इन ट्रेन्स, हैवी मोटर्स, वुड कटिंग मशीन, लेथ मशीन, ग्लोनोमीटर, स्पीडोमीटर एट्सेट्रा। लेट अस स्टार्ट। एनर्जी मीटर्स के अंदर एडी करंट्स यूज़ होते हैं। ये एनर्जी मीटर है, एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ होता है, घरों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पावर कंज्यूम हो रही है उसको मेयर करने के लिए। इसके अंदर एक शाइनी मेटल डिस्क होती है यहाँ पे, और इसके मोशन की वजह से जो पावर कंज्यूम हो रही है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। द एनर्जी मीटर हैज़ एल्युमिनियम डिस्क हुज रोटेशन डिटरमिन द पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज कॉइल इज लैगिंग बाय 90 डिग्री ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कॉइल बिकॉज ऑफ विच एडी करंट इंड्यूस्ड इन द डिस्क। एनर्जी मीटर के अंदर दो कॉइल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रेशर कॉइल और दूसरे को हम कहते हैं करंट कॉइल, और ये दोनों पावर की मेजरमेंट में यूज़ होते हैं। वोल्टेज कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री लैग करता है करंट से, और इसी वजह से इस डिस्क के अंदर जो कि मेटल की डिस्क है इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। द इंटरेक्शन ऑफ एडी करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द टॉर्क विच एग्जर्ट ए फोर्स ऑन द डिस्क, दस द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो एडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और उस टॉर्क की वजह से ये डिस्क रोटेट करती है। द साइक्लोमीटर काउंट्स द रोटेशन ऑफ द डिस्क एंड मेजर द पावर कंज्यूम्ड। और एक साइक्लोमीटर लगा होता है जो डिस्क की रोटेशन को काउंट करता है और जो पावर कंज्यूम्ड है उसको रिकॉर्ड करता है। दूसरी एप्लीकेशन है इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव आपने देखे होंगे, ये इसे हम कहते हैं ठंडे चूल्हे। तो ये एक ऐसा स्टोव है, ऐसा चूल्हा है जिसको आप हाथ लगाएंगे तो ठंडा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका ऊपर कंटेनर रखेंगे, एक वेसल रखेंगे या इसका पॉट रखेंगे, स्पेशल पॉट होगा वो रखेंगे, तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। ये कैसे होगा? इंडक्शन स्टोव हीट्स द कुकिंग वेसल जो कि कंडक्टर होना चाहिए, कास्ट आयरन का हो सकता है या फिर स्टेनलेस स्टील का हो तो बेहतर है, बाई इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इंडक्शन स्टोव के अंदर ये एक वेसल है, आप देख सकते हैं एक कंटेनर है, और ये कंटेनर जो है वो कंडक्टिव होगा, और इसके लिए बेहतर है कि ये कास्ट आयरन का बना हो या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हो। और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जो बेस है, इस बेस के अंदर कॉइल्स लगे होते हैं, और इन कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है, एक चेंजिंग या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ये कंडक्टर रखते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और एडी करंट प्रोड्यूस होने के नतीजे में इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है और कुकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिलो द वेसल प्रोड्यूसेस एडी करंट इन द कंडक्टिव वेसल एंड प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। जैसे आपको मैंने बताया कि इसका ये ख़ास किस्म का यूटेंसिल है जो इस इंडक्शन स्टोव के लिए यूज़ होता है, और जैसे ही हम इस यूटेंसिल को इंडक्शन स्टोव की बेस के ऊपर रखते हैं, इसके नीचे कॉइल्स लगे होते हैं जिसके अंदर चेंजिंग या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस यूटेंसिल्स के अंदर, चूँकि ये कंडक्टर का बना हुआ है, इसमें बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो एडी करंट्स हैं वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस तरह जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स, इसमें भी एडी करंट यूज़ होगा। वॉक थ्रू गेट्स को तो आपने देखा होगा, ये वॉक थ्रू गेट है, ये सिक्योरिटी गेट्स हैं, बहुत सारी जगह पे पड़े होते हैं आजकल, तो बहुत ज़रूरत है इनकी। मेटल डिटेक्टर्स आर यूज्ड एट सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जनरेटिंग एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। तो इसके दो कॉइल हैं वॉक थ्रू गेट के, एक कॉइल को हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग कॉइल और दूसरा कॉइल होगा रिसीविंग कॉइल। ये इस तरफ ट्रांसमिटिंग कॉइल है और इसमें
अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्रोड्यूस हो रहा है इस तरफ, और करंट इसमें यूं फ्लो होगा, तो राइट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूं होगा, इस तरफ होगा, ट्रांसमिटिंग कॉइल से लेके रिसीविंग कॉइल की तरफ होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास एक रिसीविंग कॉइल है, ये सिंपली कॉइल है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है हॉरिजेंटल। और अगर कोई शख्स इसमें एंटर होता है और उसके पास कोई मेटल की कोई चीज़ होती है, तो ये जो मेटल का ऑब्जेक्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे ट्रिवर्स करेगा। ये जो मेटल है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये इस आदमी के साथ, इस शख्स के साथ जब इसको ट्रेवर्स करेगा, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, F=qv×v। तो उस फोर्स की वजह से इस मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इंड्यूसेस एडी करंट इन द कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट कैरीड थ्रू द डिटेक्टर। तो इस डिटेक्टर में से अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट गुजरेगा, तो जब वो गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर ही गुजरेगा, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, इंड्यूस्ड एडी करंट्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। द एडी करंट्स इन टर्न प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी डैश। द एडी करंट्स इन टर्न प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी डैश विच इंड्यूसेस ए करंट इन द डिटेक्टर्स रिसीवर्स कॉइल। एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डैश। अब दो फील्ड हो गए, एक बी नॉट फील्ड है, एक बी डैश फील्ड है। तो यहाँ से ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लिहाजा यहाँ पे इसका कोई जो इंडिकेशन है वो आ जाएगी, यहाँ पर इसकी कोई इंडिकेशन आ जाएगी जब कोई मेटल का ऑब्जेक्ट इसको ट्रेवर्स करेगा। तो पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इसी तरह ये मेटल डिटेक्टर्स हैं, और इसमें ये देखें, ये एक ट्रांसमिटिंग कॉइल है, और ट्रांसमिटिंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और इसके करंट फ्लो होने से इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बी नॉट। और जब हम किसी जगह को स्कैन करेंगे इसके ऊपर, और उस जगह के नीचे अगर कोई मेटल की ऑब्जेक्ट्स होंगे, मेटल की कोई चीज़ें होंगी, कोई गोल्ड के सिक्के हो सकते हैं, या फिर कोई असला हो सकता है, गन्स हो सकती हैं, कोई मेटल के ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपने छुपाया हुआ हो, मेटल की चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस करेगा, और एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा बी डैश। तो फील्ड के अंदर, ये जो मेन फील्ड था, मेन फील्ड के अंदर एक चेंज प्रोड्यूस होगी, और इसका डिटेक्टर उस चेंज को ऑब्जर्व कर लेगा और पता चल जाएगा कि नीचे कोई हिडन मटेरियल पड़ा हुआ है, हिडन कंडक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। चूँकि ट्रेन का हमें पता है कि जो ट्रेन है इसमें मैकेनिकल ब्रेक तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मैस इतना ज़्यादा होता है, इसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई मैकेनिकल ब्रेक इस बुलेट ट्रेन को या आम ट्रेन को रोक सके। लिहाजा इस ट्रेन को रोकने के लिए मैग्नेटिक ब्रेक लगाना ज़रूरी है, मैग्नेटिक ब्रेक ही काम आएगी। और मैग्नेटिक ब्रेक का सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई डिस्क हो, मेटालिक डिस्क हो, उसके ख़ास रीजन पे परपेंडिकुलर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और इसकी रोटेशन के अगेंस्ट एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो इसकी मोशन को स्टॉप कर सकती है। तो ट्रेन्स के अंदर भी आप देखें, ये जो ट्रेन है इस व्हील के अक्रॉस एक ख़ास रीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया जाता है, और जब ब्रेक लगाना मकसूद होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हो जाता है, और एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होती है, और इस अपोजिंग फोर्स से ब्रेक लग जाती है। तो ट्रेन की जितनी भी कार्स होंगी, तो हर कार के अंदर एक ब्रेकिंग सिस्टम मौजूद होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो व्हील के क्रॉस लगा हुआ है,
और ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये जो व्हील है उसकी रोटेशन को स्टॉप करेगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू द ट्रेन इज पोजिशन नियर द स्टील रेल्स के करीब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो लगाया जाता है। ब्रेकिंग एक्शन अकर्स व्हेन लार्ज करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में लार्ज करंट फ्लो होता है तो फिर ब्रेकिंग एक्शन जो है वो होता है। द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड रेल इंड्यूसेस एडी करंट इन द रेल्स। तो जो रिलेटिव मोशन है इसका, जो मैग्नेट है वो तो रुका हुआ है लेकिन इसका जो व्हील है वो मूव कर रहा है, जो इसकी रेल है वो मूव कर रही है, तो इसके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट प्रोड्यूसेस ए ड्रैग फोर्स ऑन द मूविंग ट्रेन। उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगती है, एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। और बिकॉज द एडी करंट डिक्रीजेज स्टेडीली इन मैग्नीट्यूड एज द ट्रेन स्लोज डाउन द ब्रेकिंग इफेक्ट इज स्मूथ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही होगी उसके जो व्हील्स हैं वो उतनी उसकी रोटेशन फास्ट होगी, रोटेशन फास्ट होने के नतीजे में जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगी, और जैसे ही ट्रेन स्लो होती जाएगी उसकी रोटेशन कम होती जाएगी और उसकी जो अपोजिंग फोर्स है वो भी कम होती जाएगी, और एज रिजल्ट इसका जो ब्रेकिंग इफेक्ट है वो बिल्कुल स्मूथ होगा। मैग्नेटिक ब्रेक्स इन हैवी मोटर्स। तो हैवी मोटर्स के अंदर जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके RPM बहुत ज़्यादा हैं, उनको अचानक रोकने के लिए मैकेनिकल ब्रेक काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए भी एक मैग्नेटिक ब्रेक होगी जो उसको रोकने के लिए होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल मोटर है और इसका जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, तो मैग्नेटिक ब्रेक पॉसिबल नहीं है। अचानक आपने अगर इसको रोकना है तो इसके लिए एक मैग्नेटिक ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो मैग्नेटिक ब्रेक जो है वो बिल्कुल उसी तरह ही काम करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डिस्क है और इसके अक्रॉस यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और जब मोटर को रोकना होता है तो उसकी शाफ्ट के साथ ये डिस्क है, तो डिस्क के अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिव कर देते हैं, तो एक्टिव करने से यहाँ पर इस डिस्क के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और एडी करंट जो है वो इसकी रोटेशन को अपोज करता है, एक अपोजिंग ड्रैग या ड्रैग फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसकी जो इसकी मोशन को सडन रोकने में काम आती है। द रिलेटिव मोशन ऑफ, ये वही सेंटेंसेस हैं, द रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डिस्क इंड्यूसेस एडी करंट इन द डिस्क। और कहता है डायरेक्शन ऑफ एडी करंट प्रोड्यूसेस ए ड्रैग फोर्स ऑन द मूविंग ट्रेन दैट कॉजेज ब्रेकिंग इफेक्ट। एडी करंट प्रोड्यूस होता है रिलेटिव मोशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और डिस्क के दरमियान है, और जो एडी करंट है वो एक ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ड्रैग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उसकी मोशन के, डिस्क की मोशन के अगेंस्ट होती है जो ब्रेकिंग इफेक्ट काज करती है। वुड कटिंग सा एंड लेथ मशीन। तो आप ये देखें यहाँ पर लेथ मशीन है, और ये जो लेथ मशीन है इसको अपने अचानक रोकना हो तो बिल्कुल एक मैग्नेटिक ब्रेक लगाएंगे, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इस फिगर के अंदर एक सा दिखाया हुआ है जो वुड कटिंग सा है, तो ये बहुत ही फास्ट मूविंग होगा, इसका ब्लेड बहुत तेज़ी से घूम रहा होगा, और उसको अचानक रोकना है तो एक मैग्नेटिक ब्रेक लगेगी। तो मैग्नेटिक ब्रेक का वही प्रिंसिपल है कि उसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए होता है और दूसरा उसके अंदर एक डिस्क चाहिए होती है। तो जब ब्रेक लगानी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप एक्टिव कर दें, डिस्क के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो कि ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ग्लोनोमीटर्स के अंदर भी एडी करंट यूज होते हैं। आपको पता है जो ग्लोनोमीटर है वो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और जब इसमें एक दफ़ा करंट फ्लो होता है इसकी कॉइल के अंदर तो इसके टॉर्क की वजह से इसकी जो नीडल है वो वाइब्रेट करती रहती है और वो स्टेबल नहीं होती। उसको स्टेबल करने के लिए इसमें एक ख़ास अरेंजमेंट की जाती है। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हम लेते हैं, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर हम एक कॉइल रैप करते हैं, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इस फ्रेम के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं जो इसकी मोशन को कंट्रोल करते हैं, इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं इन वाइब्रेशंस को वो रिड्यूस करते हैं, यानी इसकी जो नीडल की मूवमेंट है उसको वो स्मूथ बनाता है एडी करंट। व्हेन करंट इज पास थ्रू द ग्लोनोमीटर द कॉइल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन
before it come to rest. To bring the coil to rest immediately, the coil is wound on a metallic frame. Now, when the coil oscillates, eddy currents are set up in the metallic frame, which opposes the further oscillations of the coil. तो इनकी oscillations को stop करने के लिए आपने एक metallic frame लगाया है और उस metallic frame के अंदर eddy current produce हुआ है जो उसकी oscillations को stop करता है. Speedometer. जो speedometer हैं, speedometer के pointer को smooth move करवाने के लिए, smooth rotate करवाने के लिए eddy current जो है वो use होता है, जो कि needle की motion को smooth करता है. और ये बिल्कुल भी सिंपल सा इसका प्रोसीजर है. फ्लेक्सिबल ड्राइव केबल है, ये केबल है जो घूम रही होती है, जिसको किसी व्हील के साथ एसोसिएट कर देते हैं. एक मैग्नेट को इस स्पीडोमीटर केबल के साथ फिक्स किया गया है, तो जिस स्पीड के साथ स्पीडोमीटर केबल रोटेट करेगी, उसी स्पीड के साथ मैग्नेट रोटेट करेगा. और इस मैग्नेट के साथ थोड़ी सी स्पेस दे के, एयर गैप दे के, एक एल्युमिनियम डिस्क लगाई जाती है जो कि इसके साथ रोटेट कर सकती हो. जो एल्युमिनियम डिस्क है, ये मैग्नेट के साथ अटैच नहीं है, थोड़ा सा अलग है. और जब ये स्पीडोमीटर केबल रोटेट करती है, तो उसके साथ मैग्नेट भी रोटेट करता है, तो मैग्नेट के रोटेशन की वजह से एल्युमिनियम डिस्क के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है. और ये एडी करंट की वजह से एल्युमिनियम डिस्क मूव होना शुरू हो जाती है. अगर इसका मैग्नेट क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये डिस्क भी उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी. और इसके घुमाव की वजह से जो स्पीडोमीटर का पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा और स्केल के ऊपर कोई रीडिंग शो करेगा. अ स्पीडोमीटर केबल टर्न्स ड्यू टू शाफ्ट रोटेशन. स्पीडोमीटर शाफ्ट रोटेशन के साथ अटैच्ड है. द केबल स्पिन्स द मैग्नेट अराउंड द सेम स्पीड. द स्पिनिंग मैग्नेट क्रिएट्स एडी करंट इन द नियर बाई एल्युमिनियम डिस्क. जिस स्पीड के साथ स्पीडोमीटर केबल घूम रही है, उसी स्पीड के साथ मैग्नेट भी रोटेट कर रहा है, और मैग्नेट के करीब ही जो एल्युमिनियम डिस्क है उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है. द एडी करंट टर्न्स द एल्युमिनियम डिस्क इन द सेम डायरेक्शन. अगर काउंटर क्लॉकवाइज थी, अब भी ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गई है, तो काउंटर क्लॉकवाइज ही एल्युमिनियम डिस्क जो है वो रोटेट करेगी. द हेयर स्प्रिंग टाइटन्स एंड रिस्ट्रिक्ट द एल्युमिनियम डिस्क रोटेशन. अब यहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग भी है, आप देख सकते हैं इसकी जो रोटेशन है, नीडल की रोटेशन, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. एज द डिस्क टर्न्स, इट टर्न्स द पॉइंटर ऑफ द डायल इंडिकेटिंग द कार स्पीड. दिस इज नॉट द एंड ऑफ एडी करंट एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस के साथ साथ एडी करंट के कुछ बैड इफेक्ट्स भी हैं, जो अगले किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. और इसमें कोर लॉसेस हैं जो होते हैं मोटर्स के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, और जिसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.